स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की 142वीं जयंती पर समारोह कर मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज यूसुफपुर का वार्षिकोत्सव भी मनाया गया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मुख्य अतिथि अमरोहा के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने मुख्तार अहमद अंसारी के तैलचित्र का अनावरण करवा झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महिला सशक्तिकरण को लेकर निकाली गई झांकी को सराहा गया। कॉलेज का हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले तथा खेल प्रतियोगिताओं में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी गांधी जी के अत्यंत करीबी लोगों में थे तथा उनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 के महत्वपूर्ण मद्रास अधिवेशन में उन्हें अध्यक्षता प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की खोज कर रही है, वहीं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उपेक्षा की जा रही है। प्रधानाचार्य सुजीत कुमार ने स्वागत व सांसद अफजल अंसारी ने आभार जताया। संचालन विनय कुमार तिवारी ने किया। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, विधायक ओम प्रकाश सिंह, विधायक सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, पूर्व विधायक उमा शंकर कुशवाहा, नपा चेयरमैन शमीम अहमद, दिलदार नगर के चेयरमैन एहसान जफर, जिला पंचायत सदस्य फेकू सिंह यादव आदि मौजूद रहे। क्षेत्र के रसूलाबाद में राजेश्वरी देवी जन कल्याण समिति के तहत बच्चू यादव के आवास पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की जयंती पर गोष्ठी हुई। कवि रामनिवास यादव ने कहा कि डॉक्टर अंसारी एक महान नेता के साथ ही गरीबों के लिए मसीहा थे। इस दौरान चंचल पहलवान, अतुल ओमकार विशाल, शिवम प्रांजल, इंद्रदेव कनौजिया आदि रहे। अध्यक्षता सुभाष पहलवान ने किया।